दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है और इसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, और दोस्तों इसमें अगर आप एक बार आवेदन कर लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये एक लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें अगर किसी कारणवश आपका दुर्घटनावश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। तो आप लोग इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल में जन सुरक्षा लिख के सर्च करना होगा। तो जैसे आप लोग सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों ये सबसे पहला नंबर में जो वेबसाइट आ रहा है जनसुरक्षा.gov.in, इस वेबसाइट में आपको इंटर कर लेना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों जनधन से जन सुरक्षा का जो वेबसाइट है ये खुल के आ जाएगा और सबसे ऊपर में आपको दिखाई देगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे इसे आप आवेदन कर सकते हैं और अगर आप एक बार आवेदन कर लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपको रूल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं हिंदी कर देता हूँ, अगर हिंदी कर देंगे तो आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों हिंदी करने के लिए यहाँ पर हिंदी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस हिंदी के ऊपर में क्लिक करना होगा। तो जैसे हिंदी के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख पाएंगे ये जो है पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो गया वेबसाइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं नियम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोग नियम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके ऊपर में सिंपल से क्लिक करना है। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ से एक PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे हम लोग डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो PDF है यहाँ पर डाउनलोड भी हो गया है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं योजना का ब्यौरा क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी कारणवश आपका मृत्यु हो जाती है और आपके परिवार में कोई है, जैसे कि आपके पिताजी है, माताजी है या फिर आपका भाई है, वाइफ है, इन लोगों का अगर आपके किसी कारणवश अगर इस योजना का लाभ लिए हैं आप, अगर किसी कारणवश आपका मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपये तक मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे ये सारा कुछ इसमें बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 से 50 वर्ष होना जरूरी है या इसके नीचे हैं या फिर इसके 50 के ऊपर हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये आसानी से आप लोग पढ़ के यहाँ से पूरा समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको प्रीमियम में 330 रुपये देने होंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 1 रुपया करके आपको देना होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लाभ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया दे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पात्रता की शर्त, इसमें शर्त क्या है ये सारा चीज़ आप लोग देख पाएंगे। यहाँ से पॉलिसी क्या है इसका अगर पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो है ऑटो डेबिट प्रक्रिया है, इसमें आपको जाकर पैसा जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसमें अगर आप फॉर्म भर के आप एक बार दे देते हैं तो आपका जो है बैलेंस आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कैसे आप इसका अप्लाई कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा फॉर्म्स का एक ऑप्शन ऊपर में ही। तो इस फॉर्म्स के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग फॉर्म्स के ऊपर में आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक आवेदन पत्र और दावा पत्र। यानी कि दोस्तों यहाँ से आवेदन पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका आवेदन पत्र डाउनलोड होकर आ जाएगा और दावा पत्र का ऊपर में क्लिक करेंगे तो दावा पत्र यानी कि अगर आप आवेदन कर चुके हैं और आपका मृत्यु हो गया है आपके घर वाले के किसी का और वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको यहां से आपको पैसा मिल जाएंगे इसमें अगर करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आवेदन पत्र में क्लिक करते हैं, उसके बाद दावा पत्र के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आवेदन पत्र के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आएगा, तो यहाँ से आप लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो है जितना भी जानकारी है यहाँ से आप लोग भर देंगे और भर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसे लाभ लेने के लिए इस योजना को आपके बैंक से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। आपके बैंक में जाएंगे इसे भरने के बाद तो आपके बैंक बारे आपको पूरा समझ
समझा देंगे क्या करना है क्या नहीं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये नॉमिनी उमिनी का डिटेल्स ही आपको मांगा जाएगा। तो दोस्तों नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पर भरना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर नॉमिनी का डिटेल्स नहीं भरेंगे तो आप जब पैसा आप किसी कारण से आपका अगर मृत्यु हो जाती है तो आपका घर वाले जब जाएंगे बैंक में तो यहाँ पर नॉमिनी का पता और डिटेल्स होना ज़रूरी है। तो इसके बिना आप पैसा को नहीं उठा सकते, इसीलिए नॉमिनी का जो डिटेल्स भरेंगे ये आपको सावधानी से भरना है और सही सही भरना है। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के बाद आपको बैंक में जाना है और बैंक वाले आपका जो प्रोसेस है ये ऊपर तक ले जाएंगे और आपका जो है ये एक्टिव कर देंगे। और एक्टिव हो जाने के बाद आपका जो है एनुअल 330 रुपया कटते जाएंगे एनुअल, यानी कि वार्षिक में। अगर इस बीच में आपका किसी कारण से कि कुछ भी हो जाता है आपके साथ तो आपके घर वालों तक आपका जो पैसा है वो कैसे आएंगे तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से बैंक आ जाएंगे और बैंक आने के बाद यहाँ पर जैसे कि हम बताए थे दावा पत्र के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लोग दावा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्म्स में जाएंगे और फॉर्म्स में आने के बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आएंगे और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दावा प्रपत्र का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग दावा प्रपत्र के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिसका मृत्यु हुआ है तो यहाँ से आप नाम को सिलेक्ट कर लेंगे, बैंक का पूरा पता दे देंगे, पॉलिसी क्या है ये सारा कुछ आप यहाँ से जानकारी दे देंगे। और देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा कुछ आपको दे सकते हैं कि नॉमिनी के साथ क्या संबंध है, ये सारा कुछ, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है। और उसके नीचे में आएंगे तो ये सारा कुछ आपको IFSC कोड डाल देना होगा, बैंक का बैंक खाता संख्या क्या है, ये सारा कुछ देने के बाद आपको बैंक में जमा करना होगा। और जैसे आप लोग जमा करेंगे 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद आपका जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो बीमा है बहुत ही अच्छा बीमा है, इसमें आपको कोई किसी से लेने देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसका भी नाम आप नॉमिनी में डाले रहेंगे वही एक ही लड़का आपका या फिर कोई भी जाके बैंक में अगर संपर्क करेगा तो आपका पैसा 15 दिन के अंदर आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।